अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पतित पावनी श्री श्री गौर कथा। श्रीमन महाप्रभु जी एवं राय रामानंद जी के संवाद को हम श्रवण कर रहे थे, उसमें श्री राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु राय को है प्रेम भक्ति सर्वसाध्यसार, अपने इष्ट के प्रति प्रेम हो जाना ही सर्वसाध्यों का सार है। तब श्रीमन महाप्रभु ने कहा, एहो हाय आगे कह आर, कि ये है, चलिए राय रामानंद जी ये है, लेकिन अब आगे कहिए, इसे सार घोषित क्यों नहीं कहा, साध्य सार क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें सेवा अभिलाष नहीं होती, इस भक्ति में निसंकोच प्रेम नहीं होता, इसमें ममता पूर्ण लालन पालन नहीं होता, इसमें सब कुछ देकर सेवा नहीं कर पाते, इसीलिए महाप्रभु ने इसे साध्य सार घोषित नहीं किया। प्रभु कहे एहो हाय आगे कह आर, राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। महाप्रभु कहे एहो हाय, मतलब ये है, क्यों, क्योंकि दास्य प्रेम अपने इष्ट के प्रति निष्ठा होती है और अपने इष्ट को सुख पहुंचाने की भावना इस भाव में होती है। बहुत सुंदर उदाहरण है इनके, हनुमान जी सर्वदा श्री राम जी के कार्यों के लिए तैयार होते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं, इसको भी साध्य सार घोषित नहीं किया क्योंकि इसमें निसंकोचता नहीं है। तब महाप्रभु ने कहा आगे कह आर, अब आगे कहिए। तब राय रामानंद जी कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। महाप्रभु कहे एहो भी है, मतलब ये भी है, इसको भी साध्य सार घोषित नहीं किया, क्यों, क्योंकि सख्य प्रेम में निसंकोचता तो होती है। श्रीपाद अनंतदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि सखाओं में निसंकोच, जब भगवान के भजन के पांचों रसों का वर्णन करते हैं, उस समय ये जो शांत रस प्रेम भक्ति वाला मार्ग है, इसे कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ है दास्य, क्यों, क्योंकि इसमें हम प्रजा हैं भगवान की, ऐसी भावना, और भगवान हमारे राजा हैं। दूसरा दास्य प्रेम, दास्य का अपने प्रभु पर अधिकार पूर्णता नहीं होता, पूर्णता अधिकार नहीं होता, केवल वो सेवा करता है किंतु पूर्णता अधिकार नहीं है, किंतु सख्य वाले का जो अधिकार है वो दास्य वाले के पास नहीं है, क्यों, सख्य निसंकोच रहता है। श्रीमद् भागवत जी में आता है ना, ब्रह्म मोहन लीला में हम दर्शन करते हैं कि सखाओं का झूठा भगवान खा रहे हैं, सखाओं का अपना झूठा तो खिला ही रहे हैं, सखाओं का भी खा रहे हैं, भगवान हार जाते हैं खेल में तो सखा कंधे पर बैठ जाते हैं भगवान के और लात मार मार के कहते हैं चल घोड़े चल, किंतु यदि भगवान कुछ खेल में गलती करें तो वो सखा ताड़न भत्सन नहीं करते भगवान का, क्यों, क्योंकि वो लगता है राजा के बेटे हैं, हमारे साथ खेलते हैं, अगर हमने इनको ताड़ना कर दी तो क्या पता कल हमारे साथ ना खेलें, सखा इस बात से डरते हैं, इसीलिए निसंकोचता है और ये दास्य से श्रेष्ठ है और इन पर भी अधिकार है दास्य वालों से ज़्यादा, क्योंकि जितना सख्य का अधिकार है उतना दास्य का थोड़ी ना है। आगे वात्सल्य प्रेम, राय रामानंद जी कह रहे हैं इससे श्रेष्ठ है वात्सल्य प्रेम, क्यों, वही अनंतदास बाबा जी वाली बात आई कि सखा तारण भत्सण नहीं करते भगवान का, किंतु मैया तो ताड़ना भी करती हैं, डांटती भी हैं,
और संटी लेके पीछे भागती भी है। भगवान अगर माटी के भांड फोड़ देते हैं तो पीछे डंडी लेके भागती भी है मैया। तो जब भगवान ने जब सख्य प्रेम कहा तो महाप्रभु ने कहा उत्तम। उत्तम क्यों? दास्य से उत्तम है। फिर वात्सल्य प्रेम कहा राय रामानंद जी ने कि इस वात्सल्य रस का भाव है कि ममता पूर्ण लालन पालन करना, भगवान को अपना लाला मान लेना, इसको भी महाप्रभु ने उत्तम कहा। अब कहा कि आगे कहिए और कुछ। तब राय रामानंद जी ने कहा कांत प्रेम सर्वसाध्य सा, कि कांता भाव से प्रेम करना सर्वसाध्य सार है। क्यों? कांताएं जो है ना वो वात्सल्य से भी श्रेष्ठ है। क्यों? देखिए कांता में सर्व भाव विराजमान है, सभी भाव कांत भाव में है। और इसे के जब कहा राय रामानंद जी ने तब महाप्रभु कहे एहो प्रभु कहे ए ए कहे ए साध्य विधि सुनिश्चय कृपा करी कहो यदि आर किछु है। यही है साध्य विधि, साधना करने की विधि यही है। अब इस साधन अब कृपा करके ये बताइए कि अगर इसके आगे भी कुछ है। तब राय रामानंद जी ने कहा राय को है इहार आगे पूछे है न चने, कि महाप्रभु आज तक इससे आगे तो किसी ने पूछा नहीं सुना नहीं, तो अगर आप पूछ रहे हो तो ये जितनी भी कांताएं हैं लक्ष्मी जी रुक्मणी जी सत्यभामा जी कुबजा जी आदि, इनमें जो श्री राधा रानी का प्रेम है ना श्री कृष्ण के प्रति, ये सभी साध्यों का शिरोमणि है। सभी गोपियों के सभी सखियों के सभी सखियों की प्रीति से श्रेष्ठ है राधा रानी का प्रेम, साध्य शिरोमणि है। महाप्रभु तो प्रसन्न हो गए। फिर राय रामानंद जी ने और चर्चा करी महाप्रभु को श्री राधा श्याम सुंदर के स्वरूप की रूप माधुरी को श्रवण कराया। महाप्रभु गदगद कंठ से गदगद कंठ हो गए। और राय रामानंद जी जब कभी महाप्रभु की तरफ देखें, बार बार आंखें ऐसे हाथ से मल के देखें, कभी राधा रानी दिखे कभी श्याम सुंदर दिखे, पूछ लिया अरे गौर तुम कौन हो, हे गौर हरी आप कौन हैं, आप क्या राधा रानी हैं, क्या आप राधा श्याम सुंदर हैं। तब श्रीमन महाप्रभु ने कहा अरे मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैं कहाँ से राधा रानी। जब हट किए राय रामानंद जी उस समय गोविंद सो गोलियो राधा सो लियो राय, दो मिल एके भये प्रगटे श्री गौराय। क्या अर्धभाग से श्याम सुंदर प्रकट हो गए, अर्धभाग से प्रिया जी प्रकट हो गई, प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए, मध्य में गौर सुंदर। और राय रामानंद जी ने कहा सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, आप मैं समझ गया आप ही मेरे गौर हो, आप ही जगन्नाथ हो, आप ही मेरी राधा रानी हो, मैं अपने स्वरूप को जान गया। और उस समय ललिता भावावेष्ट श्री विशाखा जी के भाव में आविष्ट हो गए श्री राय रामानंद जी। महाप्रभु जी ने कभी भी किसी को अपने मूल स्वरूप के दर्शन नहीं दिए, श्रीवास जी को नरसिंह जी के वामन जी के सब दशावतारों के दिए, किंतु अपने मूल स्वरूप को किसी के नहीं दिए, केवल राय रामानंद जी को। इस प्रकार राय रामानंद जी के साथ संवाद श्रीमन महाप्रभु जी का पूर्ण हुआ। और फिर कैसे आगे पंडरीपुर की यात्रा करेंगे, पंडरपुर यात्रा करते करते फिर वापस गुजरात होते हुए फिर वापस लौटेंगे जब पुरी की तरफ, तो राय रामानंद जी को जब साथ लेकर चलेंगे वो भी बड़ी अद्भुत लीला है। निताई गौर हरि बोल। Thank you.